वॉचडॉग में आपका स्वागत है, मैं हूँ श्वेता रंजन। वॉचडॉग में हम हमेशा उठाते हैं वो मुद्दे जिनका सरोकार आपसे है। हर उस मामले पर हम बनते हैं आपके वॉचडॉग जिनसे आप परेशान हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिनमें कुछ लालची लोगों ने कुछ मासूमों की जान सिर्फ इसलिए ली क्योंकि वो उनके बीमा की रकम हड़पना चाहते थे। उनके कारनामों ने कई विदेशी बीमा कंपनियों की नींद हराम कर रखी है। तो देखते हैं आज का वॉचडॉग। साल 2002, न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में उस वक्त खलबली का माहौल पैदा हो गया जब एक इंश्योर्ड व्यक्ति की मौत के बाद दो लोगों ने दावेदारी पेश की। इनमें एक दावेदार तो वो था जिसे मृतक ने नॉमिनेट किया था, जबकि दूसरी दावेदार उसकी पत्नी थी। ये कहानी है रुड़की में पैदा हुए होशियार सिंह की, जो 14 साल पहले जिंदगी संवारने का सपना लेकर अमेरिका पहुंचा, लेकिन वहां वो फंस गया एक वहशी के जाल में, जिसने खुद अमीर बनने के चक्कर में होशियार सिंह का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल करा दिया। जुलाई 2002, दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सरेआम एक एनआरआई की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक का नाम होशियार सिंह था। होशियार सिंह पिछले 14 साल से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहता था। कई कई साल के बाद भारत आने वाले होशियार सिंह के यहाँ जानने वाले कम ही लोग थे। ऐसे में उसका कौन दुश्मन हो सकता है, घर वालों के लिए ये बता पाना मुश्किल था। परिवार के लोगों से बात करने के बाद राजधानी की पुलिस भी अचंभे में थी कि कत्ल की गुत्थी सुलझे तो कैसे। इंसिडेंट के तुरंत बाद काफ़ी सनसनी फैल गई और पुलिस जो है हर तरह के एंगल, ऑल पॉसिबल एंगल्स हम लोग उसमें देखने लगे। और मैं शुरू में तो होशियार सिंह के बारे में, जो कि अमेरिका से रह कर आया था और किसी तरह का कोई इसका बैकग्राउंड वैसा नहीं था और शांतिप्रिय था परिवार और इसके जितने भी दोस्त वगैरह, तो एक बहुत ही जटिल समस्या शुरू में हो गई थी और काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ी। कत्ल के एक हफ्ते बाद होशियार सिंह की पत्नी को जानकारी मिली कि उसके पति का अमेरिका में $1 मिलियन यानी करीब 5 करोड़ रुपए का जीवन बीमा था, जिसकी जानकारी परिवार के लोगों को भी नहीं थी। बीमे की जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोगों ने बीमा कंपनी से संपर्क साधा तो उनके होश उड़ गए। फिर पुलिस छानबीन में जो तथ्य सामने आए वो कत्ल की वजह खुलकर बयान कर रहे थे। दरअसल होशियार सिंह के कत्ल के 3 दिन बाद परिवार वालों के पास उसकी मौत का प्रमाण पत्र नहीं था, जबकि अमेरिका की बीमा कंपनी में ये प्रमाण पत्र 3 दिन बाद जमा हो चुका था। ये सब बातें कत्ल के पीछे किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। दरअसल होशियार सिंह दिल्ली के जिस इलाके में रहता था वहीं बसा था एक एनआरआई जिसका नाम था देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह होशियार सिंह का पड़ोसी था न्यूयॉर्क में। कत्ल के बाद से देवेंद्र सिंह गायब था, इसलिए पुलिस ने सबसे पहले शक का दायरा सीमित किया देवेंद्र सिंह पर। छानबीन के दौरान देवेंद्र सिंह के मामा घनश्याम को हिरासत में लिया गया। थोड़ी सी सख्ती के बाद घनश्याम ऐसा टूटा कि उसने उसके बाद जो जानकारी पुलिस को दी उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल इस पूरे मामले के पीछे एक ऐसे आदमी का दिमाग काम कर रहा था जो कि अमेरिका में बैठा था। अमेरिका में बैठा ये आदमी था अमर सिंह, जो न्यूयॉर्क में होशियार सिंह का रूम पार्टनर भी था। अमर सिंह 25 साल से अमेरिका में रह रहा था, जो टैक्सी चलाने का काम करता था। उसके बाद जब होशियार सिंह न्यूयॉर्क गया तो दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दरअसल अमेरिका में रहने वाले ज्यादातर लोग जीवन बीमा कराते हैं। किसी की मौत के बाद इस देश की बीमा कंपनियां बीमे की रकम आसानी से नॉमिनेटेड इंसान के हवाले कर देती हैं। अमर सिंह ने होशियार सिंह को बीमा करवाने के लिए राजी किया और खुद को नॉमिनी लिखवा दिया। इसके कुछ दिन के बाद होशियार सिंह भारत आ गया। अप्रैल 2002 में अमर सिंह ने होशियार सिंह से संपर्क कर उसे अपनी मौत का नकली डेथ सर्टिफिकेट भेजने को कहा। होशियार सिंह डर गया, उसने ऐसा करने से मना कर दिया। होशियार सिंह के मना करने के बाद अमर सिंह को करोड़ों रुपए डूबते महसूस होने लगे, लेकिन वो अपने करोड़पति बनने का सपना टूटने नहीं देना चाहता था। होशियार सिंह अब अमर सिंह को रास्ते का कांटा लगने लगा था, इसलिए उसने होशियार सिंह को रास्ते से हटाने के लिए उसकी मौत का प्लान बना डाला। अमर सिंह ने दिल्ली में रह रहे देवेंद्र सिंह से बात कर उसे अपने प्लान में शामिल किया और फिर देवेंद्र सिंह ने अपराधियों के गढ़ कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर के कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स से संपर्क कर उन्हें होशियार सिंह को मारने की सुपारी दे दी। ये मर्डर मेरे पति का अमर सिंह ने कराया है और मुझे 100% उम्मीद है कि उसी ने ही कराया है, क्योंकि जो मेरे पति की पॉलिसी थी 5 करोड़ की,
10 लाख अमेरिकन डॉलर की, वो अमर सिंह ने ही कराई थी मेरे हस्बैंड की, और नॉमिनी अपने आप को बना लिया था। और 3 साल के बाद, पहले तो उसने भाई डेथ सर्टिफिकेट के लिए बोला उनको, मेरे हस्बैंड को, कि भाई डेथ सर्टिफिकेट भेज दे और मतलब मैं मतलब पैसे ले लूँगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उस बात का उसने फ़ायदा उठाया क्योंकि वो इंडिया में थे, इस बात का फ़ायदा उठा के उसने वहाँ से आदमी भेजा और इनका मर्डर करा दिया। अमर सिंह ने ही ये हत्या करवाई और मुजफ्फरनगर में, जहाँ की उसका ससुराल था, उसका एक ब्रदर इन लॉ था ऋषिपाल करके, वो और फिर उसके कुछ साथी थे, उन लोगों ने मिल करके ये चीज किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर 30 हजारी अदालत में दाखिल कर दिया है, जहां मामले की सुनवाई चल रही है। इस मामले में पुलिस ने सभी कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामले का मुख्य आरोपी अमर सिंह अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। होशियार सिंह के घर वालों का दावा है कि पुलिस अमर सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस ये कहती है कि अमर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास अमर सिंह का अमेरिका का पता नहीं है। पुलिस के इस रवैये से परेशान होशियार सिंह के घर वाले बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय की शरण में पहुंचे। दिल्ली पुलिस सदा आपके साथ, इस नारे को देने वाली दिल्ली पुलिस का साथ इस मामले में पीड़ित पक्ष के साथ कम और अभियुक्तों के साथ अधिक रहा। इसका उदाहरण ये कि दिल्ली पुलिस ने विदेश में बैठे दोनों अभियुक्तों को अभी तक भी भगोड़ा घोषित नहीं करवाया, और जब तक कोई अपराधी भगोड़ा घोषित नहीं होता तब तक भारत सरकार उसे पकड़वाने के लिए इंटरपोल से मदद नहीं मांग सकती। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ होशियार सिंह के घर वालों ने दिल्ली उच्च न्यायालय की शरण ली, जहां उन्हें न्याय मिला। उच्च न्यायालय ने होशियार सिंह के घर वालों की याचिका पर हाल ही में अपना फैसला सुनाया है, जिसमें न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि वो अमेरिका में बैठे अभियुक्त अमर सिंह और उसके साथी ऋषिपाल को पकड़कर उन्हें भारत लाने की व्यवस्था करे। रिट पिटीशन में इनके दोनों के, अमर सिंह और दूसरा मुलजिम ऋषिपाल सिंह के खिलाफ हम लोगों ने एक्स्ट्राडिशन के लिए मांग की, प्लस उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट्स, रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के लिए, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने मांगी थी, और जिसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, जिसके लिए हम लोगों ने जब दिल्ली हाईकोर्ट में गए तो अब इसी तारीख पे दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दी है कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट्स निकलवाए जाएं कोर्ट से, और उसके बाद एक्स्ट्राडिशन के लिए जो भी कार्रवाई करनी है वो जल्द से जल्द की जा सके। इस मामले में बीमे के लिए अमर सिंह के दावे के बाद होशियार सिंह की पत्नी ने भी अपना दावा पेश कर दिया है। मामले में 2 क्लेम आने से फिलहाल कंपनी ने रकम सीज कर दी है। ऐसा नहीं है कि किसी एनआरआई की हत्या का ये पहला मामला है बीमा की रकम हड़पने के लिए। उत्तरांचल के देवप्रयाग में एक महिला की संदिग्ध मौत हुई, जिसका अमेरिका में करोड़ों रुपए का बीमा था। इसके बारे में जानेंगे एक ब्रेक के बाद।